की कुछ कुछ मुख्य बातें, किन्होंने किस पे हमला किया। और हमारे साथ अनंत जी है। अनंत जी, अगर आज के दिन भर की बात करो, खासकर जिस तरह से कैंपेनिंग चल रही है उस पे बात करें। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे कि आप देखिए कितनी बड़ी भीड़ यहां पे जमा है। आपको लगता है ये एक पैमाना बनाने की कोशिश लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो लोग जुट रहे हैं उसको लेकर? नहीं, जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले कहीं कहीं उनकी जो मीटिंगें हैं उनमें एक मुद्दा आपको उनके भाषण में हमेशा सुनाई देगा, दिखाई भी देगा, कि वो हमेशा ऐसा हाथ करके सबको बताते हैं कि देखिए भीड़ कितनी है। तो ये उनका जो है एक साइकोलॉजिकल, जिसको एक मानसशास्त्रीय एक परिणाम साधने के लिए वो हमेशा हर मीटिंग में ये बात करते हैं। और आज महाराष्ट्र में वो थे तो उन्होंने वही फिर से और उस इलाके में थे जो चुनावी और समीकरणों के लिहाज से देखे विदर्भ के इलाके में थे, खासकर कोलक में। ये क्योंकि विदर्भ में एक बहुत यूनिक सिचुएशन है। एक तो नागपुर जैसा एक प्रमुख शहर, और जिसको अगर भाजपा की दृष्टि द इम्पैक्ट दैट गुजरात कुड मेक ऑन महाराष्ट्र, बिकॉज at one point of time they were all actually part of the same area together. Yeah, yeah, that's right. But the fact that Gujarat is so strongly Modi, and you know, what can Modi make that sort of an impact in Maharashtra as well? I mean, the closest he could have developed, you know, is to extend the